हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो 12 बोर्ड के एग्जाम से हम लोग देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हमारे लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है हमारी 10 चैप्टर से स्टार्ट होती है और 10 चैप्टर जो है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं हैलोजन कंपाउंड्स के बारे में कि हैलोजन कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस किस के साथ में रिएक्शंस करते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो देखो बेटा, पहले भी मैंने आपको 11th क्लास में समझाया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसके प्रॉपर सिस्टमेटिकली वे होता है। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में सेकेंड स्टेप्स हम क्या देखते हैं वहाँ पर, उसकी नॉमनक्लेचर और उसके क्लासिफिकेशन देखते हैं। नॉमनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बाद में जो थर्ड स्टेप आती है हमारी, वो हम लोग देखते हैं इसके फॉर्मेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड देखते हैं हम लोग, और उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद में जो हमारी थर्ड स्टेप आती है वो होती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और लास्ट होते हैं इसके यूजेस। तो ये एक वे होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी करते हैं उसके लिए। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में सेकंड स्टेप होती है हमारी नॉमनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, और थर्ड स्टेप में देखते हैं उसका फॉर्मेशन मेथड, दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बन रहा है, किसी रिएक्शन करके वो क्या क्या बना सकता है, वो हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। उससे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करूँ तो आप लोग जानते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उसका मीनिंग होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ विच प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी वी कैन सी ईजीली, दैट मीन्स उनको हम लोग ईजीली देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड जिसके हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लाइक दैट क्लोरीन है, ये क्लोरीन किस किस के साथ में रिएक्शंस करता है और क्या क्या बनाता है। कि क्लोरीन का एक खुद का कंपाउंड है और वो कंपाउंड किसी अदर कंपाउंड के साथ में किस टाइप से रिएक्शंस कर रहा है और वो क्या प्रोडक्ट बना रहा है, ये हमारे लिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से हम लोग इस हैलोजन डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर है इसकी स्टडी करेंगे। तो एक ही करके हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, कि जो इंट्रोडक्शन है वो किस क्या होता है इसका। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले स्टेप है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करें कि ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं ये बनते कैसे हैं। तो देखो, हैलोजन जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हमने 11th क्लास में देखा है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। तो देखो, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल CH4 है, ठीक है। तो इस हाइड्रोकार्बन में से किसी भी एक हाइड्रोजन एलिमेंट का रिप्लेसमेंट अगर हैलोजन एलिमेंट के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड हमारा हैलोजन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। यहां पे एक्स क्या है, ये हैलोजन कंपाउंड्स हैं। हैलोजन कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं हमारे, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हैलोजन एलिमेंट अगर हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या हो गया हमारा, हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं, ये क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, हमने आपको 11th क्लास में भी बताया था, एल्काइल क्या होता है बेटा, CH3 ग्रुप को भी बोलते हैं हम लोग, C2S5 को भी एल्काइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। और इस एल्काइल ग्रुप से जब हैलोजन
अटैच हो जाता है तो बनने वाला कंपाउंड क्या हमारा एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन किसका, हैलोजन डेरिवेटिव्स का, कि हैलोजन डेरिवेटिव कैसे बनता है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी भी हैलोजन एलिमेंट के द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला कंपाउंड हैलोजन डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, हैलोजन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, हैलोजन कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसकी इंट्रोडक्शन के बाद में क्या आता है, भाई क्या आता है इंट्रोडक्शन के बाद में, क्लासिफिकेशन। क्या आता है, क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद में क्या देखेंगे हम लोग, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन करें इसका। देखो हैलोजन जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा उनका अलग अलग टाइप से हम लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है हमारा कि नंबर ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स के बेसिस पे, कि किसी भी हाइड्रोकार्बन से कितने हैलोजन एलिमेंट्स अटैच हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाइड करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगी कि जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एलिमेंट अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसके बेसिस पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगी कि किसी एरोमेटिक कंपाउंड से हैलोजन एटम अटैच होता है तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो क्या कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ये हमने लिया मीथेन। ठीक है, ये क्या है हमारा मीथेन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन है ये हमारा। इस हाइड्रोकार्बन से एक एक करके इस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या कर दिया, एक क्लोरीन लगा दिया, तो क्या बन गया ये हमारा, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्या होगा, क्लोरो मीथेन। ठीक है, क्लोरो मीथेन। देखो ना इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। और क्या बोल सकते हैं, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, नेक्स्ट इसी हाइड्रोकार्बन से हम लोगों ने दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दिया किससे, टू क्लोरीन से। टू क्लोरीन से रिप्लेस करने के बाद में क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, डाई क्लोरो मीथेन। और इसको नॉर्मल नेम क्या है इसका, मिथाइलीन क्लोराइड, मिथाइलीन क्लोराइड भी बोलते हैं हम लोग इसको। इसके बाद में थर्ड कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं यहाँ पे फर्दर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। अब देखो इसमें क्या हो गया, जो मीथेन था उस मीथेन के अंदर क्या था, मीथेन में क्या किया हमने, सबसे पहले एक हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्लेस किया। अब क्या किया उसके बाद में, दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया, थ्री हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया, तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया हमारा, ट्राई क्लोरो मीथेन। ठीक है, तो तीन कंपाउंड बन गए। अब देखो लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे, चारों के चारों हाइड्रोजन्स को हमने किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन के द्वारा। चारों हाइड्रोजन्स को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने, क्लोरीन के द्वारा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या बन गया हमारा, टेट्रा क्लोरो मीथेन। ठीक है, टेट्रा क्लोरो मीथेन, यहां से दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो देखो इधर लिख देते हम लोग इसको, सी सी एल सी एल सी एल Cl। ये क्या हो गया हमारा, टेट्राक्लोरोमीथेन। इसके साथ ही इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किस काम में आता है, एज ए एनेस्थेटिक क्या यूज होता है ये। ठीक है, तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन देखा सबसे पहले हैलोजन डेरिवेटिव्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एलिमेंट्स, कि कितने हैलोजन एलिमेंट्स हाइड्रोकार्बन से अटैच है उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है बेटा, सेकंड हम लोग बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम लोग, तो देखो सी एच
CH3, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और इस हाइड्रोकार्बन में क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, इथेन बोलते हैं। और इस इथेन में से अब हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पे हैलोजन डेरिवेटिव। हैलोजन डेरिवेटिव जब फॉर्म करेंगे तो सबसे पहली बात तो देखो बेटा इसके अंदर क्या होगा, CH3 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होगा, किसके द्वारा होगा, हैलोजन कंपाउंड। हैलोजन कंपाउंड कौन होगा, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, और आयोडीन भी हो सकता है, कोई भी हैलोजन एलिमेंट आएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या बना देगा, हैलोजन डेरिवेटिव। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं हम लोग CH3CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से देखना जरा कि जो क्लोरीन एलिमेंट है जिस कार्बन से अटैच है, जो क्लोरीन है वो जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। कैसे पता किया हम लोगों ने, हमें पता है यहाँ पे इस कार्बन से दो हाइड्रोजन एलिमेंट अटैच है और एक Cl, पीछे एक सिग्मा बॉन्ड, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये सब चीज़ें हमने आपको 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन चैप्टर में समझाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जिस कार्बन से हमारा हैलोजन एलिमेंट अटैच है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। सेकेंड CH3 CH3 CHCl, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जिस कार्बन एलिमेंट से ये हैलोजन अटैच हो रहा है, जिस कार्बन एटम से ये हैलोजन एलिमेंट अटैच हो रहा है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पे भाई इसका भी sp3 है क्या, बिल्कुल, तो फिर भाई डिफरेंट क्या है इसमें, हाँ जी डिफरेंट क्या होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखो ये भी sp3, ये भी sp3, तो एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेके देखते हैं हम लोग, यहाँ पे CH3 ये ऐसे ले लो CH2 डबल बॉन्ड C और CHCl। अब इसमें देखो यहाँ sp3 है, यहाँ भी sp3 है, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये जो कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड बना रहा है, एक इधर सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ओवरऑल कितना हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp2, 3 सिग्मा किसके इक्वल होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। एक एग्जांपल हो लेते हैं हम लोग इसका, CH3 sp2 हो गया, CH ले लो यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड कर लो CHCl, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा इक्वल टू sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया हमारा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ओके। तो ये 3 टाइप्स का हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हमने देखा कि जो हैलोजन एलिमेंट है जिस कार्बन से अटैच है उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये भी sp3 है, यहाँ पे sp2 है, और यहाँ पर है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 2 टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई है क्लासिफिकेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है, उसके भी एग्जांपल्स हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। थर्ड नंबर पे हमारा क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम ऑन विच हैलोजन एलिमेंट अटैच, ठीक है। जिस कार्बन एटम के ऊपर हैलोजन एलिमेंट अटैच है उसके बेसिस पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि वो किस टाइप का क्लासिफिकेशन देगा। तो देखो
डिग्री ऑफ कार्बन एटम ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम. फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं CH3CH2Cl. CH3CH2Cl सेकेंड है CH3CH3CHCl, ठीक है. और थर्ड है हमारा CH3CCH3CH3Cl, ठीक है. तीनों केसेस अलग अलग हैं. फर्स्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे, इस केस में क्या हुआ, जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है वो कितने डिग्री है, 1 डिग्री. यहाँ पे क्या है, ये कार्बन दो अदर कार्बन से अटैच है तो उनका क्या है, 2 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री. और इसके बाद में है जिससे ये अटैच है, ये हो गया हमारा 3 डिग्री. तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये हमें पता है पहले से कि जिस कार्बन से अदर एक कार्बन अटैच हो तो वो 1 डिग्री होता है. अगर किसी कार्बन से 2 कार्बन अटैच हो तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री, और किसी कार्बन से 3 कार्बन अदर अटैच हो तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री. अब 1 डिग्री से अटैच होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलाइड. क्या बोलेंगे इसको, प्राइमरी हैलाइड. इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलाइड. और इसको बोलेंगे टर्शियरी हैलाइड, ठीक है. हमने ये 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन देखा. इसके बाद में क्या और भी कोई क्लासिफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल होता है. अगर कोई भी हेलोजन एलिमेंट्स अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच हो, या हम बात करें कि किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्ट अटैच हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एराइल हैलाइड. क्या बोलेंगे उसको, एराइल हैलाइड. एग्जाम्पल लेके बात करते हैं. देखो 4th नंबर पे क्या बात करेंगे मेरा, कि जो एरोमेटिक हैलाइड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एरोमेटिक हैलाइड्स क्या होता है, तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं. ये क्या है, बेंजीन रिंग. नहीं, बेंजीन रिंग कब होगी, जब इसमें 3 पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है. अब इस बेंजीन रिंग में अगर कोई हेलोजन एटम अटैच हो, यहां भी हो सकता है, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, ये बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक, एरोमेटिक हैलाइड. एरोमेटिक हैलाइड बोलते हैं इसको, ठीक है. और एरोमेटिक के साथ साथ इस बेंजीन रिंग को हम एराइल भी बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड बोलेंगे इसको, ठीक है. ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड. तो देखो ये कुछ क्लासिफिकेशंस देखे हम लोगों ने. अब और भी एक दो क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग. एक होता है जेम डाई हैलाइड, एक होता है विसिनल डाई हैलाइड. डाई हैलाइड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. जेम डाई हैलाइड किसे कहते हैं हम लोग, विसिनल डाई हैलाइड किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. जेम डाई हैलाइड का मीनिंग है बेटा CH3CH, अगर किसी एक कार्बन एटम पे दो हेलोजन एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट हो, समझ में आ रहा है, किसी भी कार्बन एटम पे 2 हेलोजन एटम एक साथ प्रेजेंट हो तो उस केस में इसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड. और अगर CH3CH3 ये कोई हाइड्रोकार्बन है और इसमें क्या हुआ, यहाँ पे एक हेलोजन एलिमेंट आ गया और एक हेलोजन एलिमेंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड. तो आई थिंक अब आप लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो इन दोनों को, कि ये तो क्या होगा, जेम डाई हैलाइड, ये क्या होगा हमारा, विसिनल डाई हैलाइड. जेम का मतलब एक कार्बन पे 2 हेलोजन का एक साथ प्रेजेंट होना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेम डाई हैलाइड. और दो पास पास वाले नियर बाय जब प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विसिनल डाई हैलाइड. देखो इसके और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, CH3CHCl CH2Cl, क्या ये भी विसिनल डाई हैलाइड होगा, बिल्कुल होगा. क्यों, क्योंकि दोनों पास वाले कार्बन्स पे क्या है, हेलोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है. तो समझ में आया ये कुछ टाइप्स. और एक दो टर्म्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे. एलाइलिक और विनाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक,
एलाइलिक का मीनिंग क्या होता है और विनाइलिक का मीनिंग क्या होता है वो देखेंगे हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से। देखो CH2 double bond CH bond Cl, दोनों में डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ पे जो हेलोजन एलिमेंट है जिस कार्बन से अटैच है उसे नेक्स्ट वाला कार्बन एटम क्या है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, क्या है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड। तो ऐसी सिचुएशंस में इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं और एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जिससे हेलोजन एलिमेंट अटैच है वही कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है आगे, तो इसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। क्या ऐसी ही सिचुएशन हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कैसे, देखो डबल बॉन्ड, यहां पे अगर ये हैलोजन एलिमेंट अटैच है लाइक दैट, इट सीएल कहां अटैच है, सीएल जिस कार्बन से अटैच है वो क्या डायरेक्टली डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, क्या समझ में आ रहा है बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक बोलेंगे। यस, और ऐसी ही सिचुएशन हम लोग एलाइलिक में भी देख सकते हैं। एलाइलिक में क्या होगा, देखो भाई समझ में आ रहा है क्या, कि जिस कार्बन से हैलोजन एलिमेंट अटैच है उसे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो क्लियर हुआ, यहां भी हो सकता है, यहां कौन सा, विनाइलिक हो सकता है, और ये हो गया हमारा एलाइलिक हैलाइड। इस एलाइलिक को और क्या बोलते हैं हम लोग, बेंजाइलिक भी बोलते हैं, हैलाइड भी बोलते हैं, समझ में आया। इसका क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन, इसका क्या होगा, विनाइलिक क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 1-chloroethene, इसका क्या होगा, 1-2-3, तो क्या होगा इसका आईयूपीएसी नेम, ये आपको खुद को कहना है, ठीक है बेटा। तो देखो आज हमने देखा कि जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन, कि हैलोजन डेरिवेटिव होता क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डीपली पढ़ा कि कैसे हैलोजन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, हाइड्रोकार्बन में कैसे कोई हैलाइड उसको रिप्लेस करता है हाइड्रोजन को, और कैसे वो बनाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा उसका इंट्रोडक्शन और उसका क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन की जब हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के बाद में हमने देखा उसका क्लासिफिकेशन और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, जिसको हम नॉमेनक्लेचर के नाम से भी एक्सप्लेन किया। तो जो क्लासिफिकेशन था वो हमने वेरियस टाइप का क्लासिफिकेशन देखा कि कितने टाइप से हम लोग हैलोजन कंपाउंड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद में साथ ही हमने उनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी देखा, कुछ कंपाउंड्स का हमने जनरल नेम्स भी यहाँ पे स्टडी की। तो ये था हमारा इसका एक्सप्लेनेशन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसकी जो फॉर्मेशन मेथड्स होती है, कैसे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स या हैलोजन कंपाउंड्स को तैयार करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक्स।